पंजाब के विद्युत मंत्री हरभजन ईटीओ ने अमृतसर सिटी में PSPCL के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जानकारी दी कि प्रोजेक्ट के जरिए लाइट जाने से पहले उपभोक्ताओं को SMS भेजकर के सूचित किया जाएगा, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। खन्ना के अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने दौरा किया है, जहां उन्होंने धान की खरीद प्रबंधों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार किसानों की सुविधा के लिए धान की निर्विघ्न और सुचारू खरीद को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब तक सरकारी खरीद एजेंसियों ने पूरे पंजाब की अनाज मंडियों में 6,78,702 मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुकी है। अमृतसर में रंग की फैक्ट्री में गैस रिसाव से तंग आकर के स्थानीय निवासियों ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने कहा है कि फैक्ट्री की गैस बहुत जहरीली है, जिससे फेफड़ों को नुकसान होता है। ये फैक्ट्री कागजों में बंद हो गई है, लेकिन अब तक चल रही है। तो वहीं फैक्ट्री मालिक ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई गैस रिसाव नहीं हुआ और फैक्ट्री 1994 से चल रही है और ये जगह इंडस्ट्री के लिए है, रेजिडेंट के लिए नहीं है। सुनाम पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि आरोपी पर पहले ही 3 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस पहले भी इस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। ये आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तरन तारण के ग्राम मौल मोहरी में जमीन के टुकड़े को लेकर के एक भाई ने अपने भाई की गोली मार करके हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी पंजाब पुलिस का थानेदार बताया जा रहा है, जिसने निजी रिवॉल्वर से इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। भटिंडा की ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों का चालान काटा है। इस दौरान पुलिस ने बस का भी चालान काटा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बताया कि लगातार बस में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद बसों के चालान किए जा रहे हैं और अब तक करीब 5 बसों के चालान किए जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। भगवंत मान ने लिखा है कि समाजवाद के प्रेरक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार मिला है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता थे और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले थे।